नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिले में किया ताबड़तोड़ निरीक्षण। सर्वप्रथम डिप्टी सीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली का किया निरीक्षण। निरीक्षण में स्वच्छता आदि खामियां मिलने पर सीएमओ को लगाई कड़ी फटकार। आशा बहुओं के बकाया मानदेय को तुरंत भुगतान कराने का दिया निर्देश। सीएससी के निरीक्षण के बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मिठवल पहुंचे डिप्टी सीएम ने निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने बेटियों से की बात, पठन पाठन व्यवस्था के साथ मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा मिठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत समोगरा में आयोजित गाँव चौपाल में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी सरकार के 6 माह पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जयंती समारोह है और देश भर में सभी लोगों का मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को, एकांत मानववाद के सिद्धांत को सदैव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीन पर उतारने का काम किया है। आज हर गरीब को पक्का मकान मिल रहा है, उनके घर में शुद्ध पेयजल 2024 तक पहुँचेगा। उज्ज्वला गैस योजना मिली है, किसान सम्मान निधि मिली है, महीने में 2 बार लगातार राशन दिया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान जिस दिन से निःशुल्क टीकाकरण हुआ है, दुनिया ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सराहा है। यही सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थी। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूँ। प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सिद्धार्थनगर का जो संयुक्त चिकित्सालय है, जो अभी मेडिकल कॉलेज, सब 3 महीने से यहाँ पे दवाएं नहीं है, कई बार अभी इसी वजह से मैं आया हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिया है कि सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं, उपकरण हैं, चिकित्सक हैं, समय पर बैठेंगे, दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। इसी वजह से मैं बिंदुवार आज समीक्षा करके पूरी बात सर, की भी बात अगर की जाए तो भी आशाएं आई हुई थी। जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए धरातल पर हम इसलिए आ जाए। पूरे प्रदेश में समस्या डॉक्टर्स की है। यहाँ पे सिद्धार्थनगर में कम है, लेकिन यहाँ पे जिनकी पोस्टिंग है वो लोग यहाँ पे नहीं आते। आज हम आए हैं उनकी सैलरी में अभी पूरा बिंदुवार हम समीक्षा करके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।